यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत संबंधित तमाम खबरों को पाने के लिए। दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना RTI से जवाब मांगा गया था कि किस किस को स्कोर कार्ड दिया जाएगा, कितना कटअप रहेगा, तमाम बातों को लेकर RTI ने रिप्लाई कर दिया है। जैसा कि सभी अभ्यर्थी बहुत लंबे अरसे से इस इंतज़ार में थे कि किसको सर्टिफिकेट मिलेगा, किसको स्कोर कार्ड मिलेगा, तो यहाँ पे RTI के जवाब ने बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है किस किस को यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट मिलेगा, किसको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए लिखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना प्रेषक लोक सूचना पदाधिकारी बिहार, दे सकते हैं गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, और मैं नहीं चलता हूँ यहाँ पर, सारी बातें स्पष्ट कराई गई हैं। लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, देखिए यहाँ पे लिखा है लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, महाशय लिखा है आपके द्वारा प्रेषित लोक सूचना से संबंधित प्रपत्र को समिति को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2019 से संबंधित सूचना की मांग की गई, उक्त के संबंध में सूचित करना है कि उक्त पात्रता परीक्षा में कुल रिक्तियों की संख्या 37,447 है, जिसमें से मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या 30,675 है। सामाजिक विज्ञान विषय का कोड 105 में प्रकाशित परीक्षा फल में अनारक्षित कोटि में कुल देख सकते हैं 111.6738 महिलाओं की कोटि में 96.67 कटअप है। EWS के लिए 103.3, महिलाओं के लिए 87.99, SC कोटि के लिए 106.7 तथा BC महिलाओं के लिए 93.91, EBC कोटि के लिए 100.48 तथा महिलाओं के लिए 80.77, SC कोटि के लिए 91.7 तथा SC महिलाओं के लिए 92.6 तथा ST कोटि के लिए 96.69 तथा ST महिलाओं के लिए 85.25 न्यूनतम कट ऑफ है। पुनर्परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए इसमें लिख दिया गया है कि रिजल्ट कार्ड सभी को दिया जाएगा, जबकि सर्टिफिकेट जो है दोस्तों वो केवल जो क्वालिफाइड हैं यानी कि मेरिट और नॉट मेरिट जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कि क्वालिफाइड कर लिया है यानी कि जो मेरिट लिस्ट में शामिल हैं और जो मेरिट लिस्ट में नहीं भी शामिल हैं, सर्टिफिकेट उनकी मेरिट के आधार पर दिया जाएगा, यानी कि जो भी मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जबकि रिजल्ट कार्ड सभी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो भी क्वालिफाइड हैं। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी जो है यहाँ पे दे दी गई है, और आप देख सकते हैं RTI का लिखित जवाब जो है आया हुआ है, और इस लिखित जवाब से ये बात स्पष्ट हो जाती है पूर्ण रूप से कि विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया है। देख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और कटअप भी देखिए बता दिया गया है हर कैटेगरी में, ज़्यादातर कटअप बताया गया है किस कैटेगरी में जो कटअप है कितना रहेगा। तो इस तरीके से संपूर्ण जानकारी जो है दे दी गई है, और आप इसका आकलन कर लीजिए, समझ लीजिए कि क्या क्या जानकारी दी गई है ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। प्रत्येक कोटि का जो है वो आरक्षण दिखा दिया गया है कि कितना कितना आरक्षण जो है मिल रहा है प्रत्येक कोटि में, और इस आरक्षण के अनुसार ही जो है आगे आपको ये पता लग जाएगा भाई कि आरक्षण के अनुसार आपको पता लग जाएगा कि हर अलग अलग कैटेगरी में कितना जो है वो कटअप है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी परेशान थे और ये नहीं पता चल रहा था कि भाई कटअप जो है वो कितना रहेगा अलग अलग जितनी भी श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग श्रेणियों का कटअप जो है RTI ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से EWS, SC, ST, UR, जनरल तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पे संपूर्ण बातें जो है वो बता दी गई हैं। ठीक है, और ये भी कहा है कि पुनर्परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट कार्ड है उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि जो रिजल्ट कार्ड है वो पुनर्परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को जो है वो रिजल्ट कार्ड जो है वो दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि चलो सबको रिजल्ट कार्ड जो है वो दिया जा रहा है, तो बिल्कुल आपका कन्फ्यूजन दोस्तों इस वीडियो से दूर हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं तो आपको समझ में भी आया होगा। दूसरी ओर चले तो शिक्षक दिवस की सभी को ढेर सारी बधाई है, शिक्षक दिवस के अवसर पर सत्याग्रह करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी, ये बात कह दी गई है भाई। तो कहीं ना कहीं आज शिक्षक दिवस है, जबकि शिक्षकों को पूजनीय माना जाता है, भगवान से भी ऊपर माना जाता है शिक्षक को, तो जिस प्रकार से आज शिक्षक दिवस का एक शुभ अवसर है, ऐसे में देखिए सत्याग्रह करने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो सही समय पर नहीं हो रही है पूर्ण।
देखिए लिखा है बिहार टीटी एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षक बहाली मोर्चा की बैठक शुक्रवार को जिला कार्यालय में हुई। इसमें सभी नवचयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र मिलने में विलंब को लेकर शिक्षक दिवस के अवसर पर सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। जिलाध्यक्ष सतीश कुमार ने देख सकते हैं गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कहा कि प्राथमिक शिक्षकों ने जो प्लान बनाया था काउंसलिंग नहीं हो रही है थर्ड राउंड की उसे लेकर और नियुक्ति पत्र बांटने के लिए तीसरे चरण के काउंसलिंग शेड्यूल को जारी करने के लिए बहाली को पूर्ण करवाने के लिए प्रथम व सेकंड राउंड की काउंसलिंग जुलाई व अगस्त में संपन्न होने के बाद भी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की में शिथिलता हो रही है। इस तमाम बातों को लेकर जो है अभ्यर्थियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है कि वो चाहते हैं कि थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग हो वो पूरी की जाए और नियुक्ति पत्र जो है यथावत संभव तरीके से सही समय पे दे दिया जाए। पंचायत चुनाव तक मुखिया प्रखंड प्रमुख जिप अध्यक्ष शिक्षक नियोजन इकाई के अध्यक्ष नहीं, तो देख सकते हैं गाई अब कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव तक मुखिया प्रखंड प्रमुख जिप अध्यक्ष जो हैं शिक्षक नियोजन इकाई के अध्यक्ष नहीं होंगे। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक मुखिया प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष शिक्षक नियोजन इकाई में अध्यक्ष नहीं होंगे। तो देख सकते हैं गाइस बिना सर्टिफिकेट जांच के नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, ये भी बात कही जा रही है। तो बहुत सारी बातें सामने उभर के आ रही है गाइस जिस प्रकार से ये एसटीटी को लेकर और 94 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर नई नई खबरें सामने उभर के आती हैं। तो वहीं 94 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर अब कहीं ना कहीं थर्ड राउंड की काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र बांटने के लिए अभ्यर्थी जो हैं निरंतर प्रयासरत हैं। देख सकते हैं आप बिना सर्टिफिकेट जांच के नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, ये बात भी इन्होंने कह दिया है कि जब तक सर्टिफिकेट की जांच नहीं होगी तब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले अपर मुख्य सचिव के अनुसार इस बार सर्टिफिकेट जांच के किसी भी चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। नालंदा में विभिन्न नियोजन इकाइयों में 200 से अधिक अभ्यर्थी फर्जी टीटी प्रमाण पत्र के साथ काउंसलिंग के लिए आए थे। तो देख सकते हैं गाइस पूरी की पूरी अपडेट यहां पे बता दी गई है और कहा गया है कि भाई तब तक आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा जब तक कि आपके सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो जाती है, ये अपर मुख्य सचिव ने कहा है। तो पल पल की जितनी भी अपडेट आएगी हम सीधे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इससे पहले कोई भी अभ्यर्थी जुड़ता है तो प्लीज़ एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट की जाँच की जाएगी, उसके बाद नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि सरकार इसके लिए नया इंतज़ार कर रही है। शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी कराने के लिए अधिकार पंचायत नियोजन इकाई में पंचायत सचिव प्रखंड नियोजन इकाई में BDO और जिला परिषद नियोजन इकाई के लिए DDC को मिल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग के राय लेकर शिक्षा विभाग जल्द ही इस मामले पर आदेश जारी करेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि दूसरे चरण में शेष रह गए 1100 नियोजन इकाइयों में लगभग 10,000 पदों के लिए काउंसलिंग इस माह के अंत तक शुरू हो जाएगी। तो पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।